ठीक है, नीचे। एक मिनिमम वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट उसमें हमने डिस्कस किया, 12 शेड्यूल का, ठीक है। साथ ये भी हो सकता है इस तरह 7 ए का, ठीक है। मिनिमम वैल्यू एडिशन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस तरह है कि यार फेडरल गवर्नमेंट जो है स्पेसिफाई कर सकती है कोई भी आइटम को कि इसके ऊपर वैल्यू एडिशन के बेसिस पे टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट था और फिनिश गुड्स टैक्सेबल थे, तो इस केस में क्या होगा कि मिनिमम वैल्यू एडेड टैक्स दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जेम्प्ट थे, इसकी वैल्यू जो थी हम कहें कि से 80,000 रुपीज, ठीक। फिनिश गुड्स की जो वैल्यू थी, इसके तो ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है ना, ठीक है। फिनिश गुड्स के ऊपर यहां पे हम कहें कि यार इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 1,00,000 रुपए। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, तो इसके ऊपर 17% लगेंगे। तो लेकिन ऐसे आइटम जो है फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ये एग्जांपल है 7A के जो है ना। अच्छा, फिर दूसरा जो कंसेप्ट था वो था हमारे पास मिनिमम वैल्यू एडिशन एट इंपोर्ट स्टेज वाला, 12 शेड्यूल वाला, कमर्शियल इंपोर्टर का, जो हम इंपोर्ट स्टेज पे 3% देते हैं वहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया आपके पास कंसेप्ट। ये समझने के लिए सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें जो है ना वो यही बताता है जनरल के फेडरल गवर्नमेंट उसको स्पेसिफाई करे तो जो है ना उस पर वैल्यू एडिशन टैक्स दिया जाएगा, ठीक है। इसको अपने जहन में रखिएगा। और दूसरा इसके साथ जो है ना वो कमर्शियल इंपोर्टर कल हमने पढ़ लिया था ना, सेवन ए का सबसेक्शन 2 में, ठीक है। तो कमर्शियल इंपोर्टर और इसके साथ 12 शेड्यूल वाला, वो वैल्यूएशन टैक्स देगा, लेकिन ये इंपोर्ट स्टेज पे देगा, आगे में जितने भेज देता है बस वो एड इंपोर्ट स्टेज पे कर देगा। कैरी फॉरवर्ड तो आप लेके जाओ, 6 मंथ्स आपने कोई भी इनपुट एडजस्टमेंट नहीं किए, ठीक है। 1 मंथ आज की तारीख में आपने कोई माल खरीदा है, ठीक है, और इसकी रिटर्न आप भरेंगे दिसंबर में, ठीक है। नवंबर की रिटर्न है, दिसंबर में भरी जाएगी। अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अच्छा इसमें आज जो आपने इनपुट आज की तारीख में जो दिया है, ये आज जाके मई तक आप इसको क्लेम कर सकते हैं इनपुट टैक्स की। कैरी फॉरवर्ड तो आप, आपको और मैं मजीद इसमें समझाऊंगा, 90% वाला तो कैरी फॉरवर्ड तो बचेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड की नहीं है लिमिट। और कैरी फॉरवर्ड के लिए जहन में रखिएगा, कैरी फॉरवर्ड जो भी बच जाता है तो वो नेक्स्ट मंथ का इनपुट टैक्स बन जाता है, ऑटोमेटिक लॉ कहता है इसको, ठीक है। ये आ गई चीज समझ में। अच्छा, ये हमारे पास एडजस्टमेंट थी सेक्शन 7A मिनिमम टैक्स और 7A का 2 कमर्शियल इंपोर्टर वाला, ये हमारे पास एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ अलाउ करते हैं। कल हम एक चीज़ हम भूल गए थे, सेक्शन 7 में एक चीज़ थी कि भाई एवरी रजिस्टर्ड पर्सन कैन एडजस्ट हिज इनपुट टैक्स विथ हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी,
ठीक है, ये पढ़ा था, लेकिन फॉर दिस पर्पज ही मस्ट होल्ड इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इनवाइस, उसके पास इनवाइस होनी चाहिए तब क्लेम कर सकते हैं, ऐसे नहीं। दूसरा, उसके पास क्या होना चाहिए, अगर गुड्स इंपोर्ट किए हैं उसके पास क्या होना चाहिए, जीडी होनी चाहिए। अगर गुड्स जो है ना ऑक्शन में खरीदे हैं तो ट्रेजरी बिल, ठीक है, और जीडी भी हो सकती है और बिल ऑफ एंट्री भी हो सकती है। बिल ऑफ एंट्री होती है बाय एयर के उसमें, बाय एयर से अगर गुड्स आते हैं ना तो उनको बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, और जो बाय सी आते हैं शिप्स के जरिए से उसको जीडी कहते हैं, गुड्स डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये चीज़ उनके पास होंगी तो उनको इनपुट आउटपुट एडजस्टमेंट, ये चीज़ क्लियर हो रही है, इनपुट आउटपुट कैसे एडजस्ट करते हैं। एग्जाम्पल दूँ दोबारा, एक लाख की चीजें खरीदी थी, वैल्यू इनपुट इसके ऊपर 17,000 टैक्स दे दिया, ठीक है। आउटपुट सेल्स आपने की दूसरे मंथ, आप से आपने किए हैं 80,000 की, सारा माल तो नहीं बेचा होगा ना, आपने अगले महीने 80,000 की सेल की होगी, इसके ऊपर 17% लगाए कितना बनता है, 13,600। ये आपके पास बच गया कितना, इनका डिफरेंस 414, 3,400 ये इसका कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड होगा, अगले महीने का इनपुट टैक्स बन जाएगा, ये अगले महीने का इनपुट टैक्स बन जाएगा 3,400, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन 8 की बात करते हैं। सेक्शन 8 जो है ना वो कहता है कि आप जो है ना, अच्छा अब ये तो हमने इनपुट एडजस्टमेंट की बात की कि हम एडजस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। सेक्शन 8 कहता है कि आपको एडजस्टमेंट अलाउ नहीं है, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो एडजस्टमेंट नॉट अलाउड। सेक्शन 8 बी को पहले पढ़ते हैं, ठीक है, 8 को बाद में पढ़ते हैं। 8 में जो है ना, अगर आपके पास इनवाइस नहीं है, फेक इनवाइसेस है, फ्लाइंग इनवाइस है, और चालान जमा नहीं हुआ होगा, ठीक है, इनपुट टैक्स के अगेंस्ट में जो आप क्लेम करना चाह रहे हैं वो अलाउ नहीं है, उसको हम पढ़ते हैं डिटेल। पहले मैं इसके साथ मिला लूँ सेक्शन 8 बी को। 8 बी कहता है कि आप जो है ना, ये इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स, इसको मोर देन 90% अब आउटपुट टैक्स के से ज़्यादा आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। हाँ, इसका मतलब है 13,600 का
90% कितना हुआ? कितना? 12,240। ठीक है, अच्छा ये आप 13,600 का 90% बन रहा है 12,240, तो अब इतना जो है ना आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अगेंस्ट 10% जो बच जाएगा ये आपने पेमेंट करनी होगी, मतलब इसका 10% कितना बनेगा? तेरह सौ साठ। ठीक है, अब ये बन गया आपका 13,600, ये टोटल अपना आउटपुट टैक्स हो गया। तो इस केस में आपके पास कितना होगा? इस केस में आपके पास जो है ना 4,760 रुपये मजीद आपको पे करने होंगे। वो इसलिए कि 17,000 आपका इनपुट था, ठीक है, और आप एडजस्ट कितना कर सकते हैं? 12,240। ठीक है, तो डिफरेंस कितना रह गया इन दोनों का? ठीक है, तो 4,740 रुपये वो आपको पे करने होंगे, बाकी जो आपके पास डिफरेंस जो बचता है वो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले मंथ के लिए। सेक्शन 8 भी कहता है कि आप जो है ना मोर देन 90% इनपुट टैक्स क्लेम के नॉट बी क्लेम एडजस्टेड मोर देन 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स। तो 90% आउटपुट टैक्स का कितना हुआ? 12,240। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस होगा वो आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, अच्छा अब आपने क्लेम कितना किया है? 12,240 माइनस 1,360, ये और ये जो 3,400, 1,360 और 3,400 ये आपके अगले महीने आपके पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। या इसको दोबारा इस तरह समझे आसानी हो जाएगी। इसको भी 1,00,000 रुपए कर दें, ठीक है। इनपुट टैक्स कितना था? 17,000। आउटपुट टैक्स 17,000। इनपुट टैक्स 6, अलाउ कितना होगा? 17,000 कितना हुआ? 17,000 का 90% कितना हुआ? 13,000 कितना? 15,300 ये अलाव है, ठीक है। 17,000 में से 15,300 आप एडजस्ट करेंगे। अब 17 में से 15,300 के कितने बच गए? 1,700। ठीक है, ये 1,700 अगले महीने में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये 1,700 आपने फिर भी पे करने, 1,700 फिर बिल्कुल हैं, पे करेंगे ना आप।
लेकिन केवी फॉरवर्ड होगा अगले महीने, वो कह रहे एडजस्ट जी हाँ, वो जो है ना सेक्शन 66 में होगा, ठीक है। वो कह रहा है कि आप जो है ना, आपने कहा कि यार 90% से ज़्यादा आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। वो 90% 17,000 का कितना आया, 15,300। तो 10% जो 17,000 का बनता था ये आपने पे करना है, वो इतना बन गया 1700, ठीक है। तो आपकी लाइबिलिटी तो बनती नहीं थी, लेकिन सेक्शन 8 भी कहता है 10% आपने जमा कराना है, तो 10% तो आपने जेब से दे दिया ना, तो ये जी ये आपकी लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन लॉ ने बना दी उसको। सारा इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, 90% ऑफ द आउटपुट टैक्स। हाँ ठीक है, कि गवर्नमेंट को भी पैसा कैश फ्लो के आ जाए। असल में हो क्या रहा, अगर यहाँ पे 1,00,000 रुपये हैं, यहाँ पे 80,000 रुपये बन जाए, तो आपके पास इनपुट आउटपुट का अगर पूरा एडजस्टमेंट मिल जाती तो लोग पैसे ही नहीं देते। तो इन्होंने एक बार लगा दिया कि उन्होंने कहा कि यार अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर लाइबिलिटी नहीं भी बनती है और परचेजिंग की वजह से या किसी और वजह से आपका इनपुट ज़्यादा बनता है आउटपुट से, तो भी आप जो है ना आप 10% जमा कराएंगे आप आउटपुट टैक्स का। नाइन्टी परसेंट ज़्यादा आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, 10% रह जाता है ना, वो आपको जमा कराना होगा, जमा कराना है ना। होता है नहीं, ये भी होता है, इसके ऊपर साल गुजरने पे होता है। साल गुजर गया ठीक है, आपका कैरी फॉरवर्ड है, साल गुजर गया, आप उसके लिए रिफंड का अप्लाई करो। साल गुजरने पे, अच्छा कल मैंने एक सेक्शन रिफंड का पढ़ाया था, याद है वो कौन सा था, सेक्शन 10 जीरो रेटिंग के लिए, ठीक है। एक जो है ना सेक्शन 66 है, वो नॉर्मल जो कैरी फॉरवर्ड के केस में होता है, वो 66 में जो ना हम रिफंड क्लेम करते हैं। ठीक है, अब आ जाए सेक्शन, अच्छा इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, सबके ऊपर नहीं है ये रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। वो कह रहा है कि यार सबको इस तरह नहीं करना 90%, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई थर्ड शेड्यूल आइटम में डील करता है तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस चीज़ की। और अच्छा रिस्ट्रिक्शन जो है वो हैं किसके ऊपर है, एक्सेप्शंस जो इसको दी हुई है, ठीक है। 90% सबके ऊपर लगा दिया, फिर उन्होंने कुछ जो है ना सेक्टर बताए कि इन इन सेक्टर के ऊपर नहीं होगा अप्लाई, ठीक है। तो वो सेक्टर हैं, एक तो पर्सन रजिस्टर्ड इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेक्टर एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ठीक है। जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं इनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा 8B का। ठीक है, जो पर्सन जो है इलेक्ट्रिकल और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं वो इससे मुस्तस्ना है 90%, वो 100% कर सकती हैं, ठीक। दूसरा कौन है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड पाकिस्तान स्टील मिल्स, ऑयल मार्केटिंग
कंपनीज, रिफाइनरीज, स्टील मिल हो गई पाकिस्तान, ठीक। तीसरा है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर कम रिटेलर, कमर्शियल इंपोर्टर, प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट सब्जेक्ट टू 3% वैल्यू एडिशन टैक्स एक्सीड्स 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई परचेज इन अ टैक्स पीरियड, ठीक है। कंडीशन ये कमर्शियल इंपोर्टर का, जीरो रेट सप्लाईज और टेली कम्युनिकेशंस, ये रूल्स में बिल्कुल SRO 647 दिया हुआ है, SRO दिया हुआ है, ठीक है। इसको सिर्फ आपने जहन में रखें, याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जहन में रखने के लिए। आपके पास एक सेक्टर आ गया, कौन सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां आ गई, दूसरा ऑयल वाले आ गए, ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनरीज और स्टील मिल, तीसरा फर्टिलाइजर आ गया, एंग्रो अपने जहन में रखिएगा, चौथा आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर कम रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर कम रिटेलर और होलसेलर कम रिटेलर हो, ठीक है। तो वो भी उसके ऊपर 90% जो है एप्लीकेबल नहीं है, एड बी वाली जो रिस्ट्रिक्शन है। कमर्शियल इंपोर्टर फिर कह रहे हैं कि यार इसके टोटल जो इंपोर्ट है जिसके ऊपर आपने इसने वैल्यू एडेड टैक्स दिया है 3%, तो टोटल सप्लाईज के 50% से एक्सीड कर रहा हो, ठीक है। एक बंदे की सप्लाईज हैं से 1 मिलियन, कमर्शियल इंपोर्टर है 1 मिलियन है, तो टोटल सप्लाईज, ठीक। तो वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू एडिशन जो इसने दी है 3%, वो टोटल सप्लाईज के 50% से एक्सीड कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि उसने 50 मिलियन जो इंपोर्ट किया है माल, 5 मिलियन, ठीक, तो उसके ऊपर इंपोर्ट किया 3% दे दिया हो तो जो है ना उसको ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। जीरो रेटिंग पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वो अपनी 100% इनपुट क्लेम करेगा और उसके लिए रिफंड में जाएगा सेक्शन 10 में। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, मैं आपके साथ इसको शेयर करता हूं सेक्शन 8B को।
हाँ, तो वो इनपुट 60% ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते टीयर वन का। यार ये लिख लेना अपने पास, ये नया है मेरे ख्याल में। टीयर वन के केस का भी लिख लेना। टीयर वन का उसको एक पेनल्टी ये लगाई गई है कि भाई वो अगर अपने आप को FBR के सिस्टम से इंटीग्रेट नहीं करता, ठीक है, POS को, तो उसको वो अपना इनपुट जो है मोर देन 60% से ज़्यादा उस अपने इनपुट को क्लेम नहीं कर सकता। वो 100% कर लेगी। बन जाएंगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जो फील्ड है ना उसमें भी ये बड़ा इसकी काम कर की चीज़ है ये। और ठीक है, ये जो है ना याद रखिएगा टीयर वन की डेफिनेशन। टीयर वन ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं हुई तो उसको जो है ना ये भी एक पेनल्टी लग रही है यहाँ पे, याद रखिएगा। टीयर वन से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा ये, क्योंकि बहुत रिसेंट सब्जेक्ट चल रहा है ना, ये सब्जेक्ट चल रहा है, यानी कि न्यूज़ में भी FBR की और जो है ना बिजनेसमैन के बीच में जो है ना एक वो चल रही है, झगड़ा चल रहा है इस चीज़ पे कि वो कह रहे हैं हमें जो है ना आप इंटीग्रेट हम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है, मेरे हिसाब से बन जाएगा इंशाल्लाह। हाँ उधर भी है, वो अभी भी नया है, वहाँ पे भी आया, ठीक है। सेक्शन 66 भी जो है ना इसके साथ बढ़ लेते हैं, ठीक है। कल मैंने सेक्शन दो याद रखिएगा, 10 और 66, ये रिफंड को क्लेम करते हैं। 10 में मैंने कहा था ज़ीरो रेटिंग में अगर आप इनपुट टैक्स देते हैं तो एक्सपोर्ट किया, ठीक है, या आपने जो चीज़ बनाई वो ज़ीरो रेटिंग में फॉल करती थी, ठीक, तो उसके ऊपर जो टैक्स इनपुट दिया तो वो आप क्या करेंगे, उसका रिफंड क्लेम करेंगे। और रिफंड कौन से सेक्शन में मिलेगा आपको, सेक्शन 10 में, ठीक। 45 डेज़ का टाइम होता है और उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके ऊपर कोई और लाइबिलिटी तो नहीं है। उस लाइबिलिटी को एडजस्ट करने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है तो वो आपको दे दिया जाएगा। अगर विद इन 45 डेज़ वो आपको नहीं मिलता तो आपको काइबोर रेट से पर डे के हिसाब से आपको डिफ़ॉल्ट सरचार्ज दिया जाएगा, FBR लाइबल है देने के लिए, ठीक है, ज़ीरो रेटिंग पे। सेक्शन 10 याद रखिएगा। अब सेक्शन 66 ये भी रिफंड का है, लेकिन इसमें ये है कि वो ज़ीरो रेटिंग का था। 66 जो है ना कैरी फॉरवर्ड जो हम करते हैं, इनपुट जो है आपका 100% एडजस्ट नहीं हुआ है, हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक, 90% की रिस्ट्रिक्शन की वजह से या ओवर परचेजिंग की वजह से, दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो सेक्शन 66 में आप क्या करेंगे, रिफंड क्लेम करेंगे विद इन 1 ईयर, लिख लिए अपने पास विद इन 1 ईयर, ठीक है।
case of a registered person, these accounts are subject to audit under the company's ordinance in 1984. Upon submission, a statement along with annual audit accounts. अगर उसके साथ नहीं कर सके अपने अकाउंट सर सर ऑडिट होगा बिल्कुल होता है ऑडिटर जो है ना आपको एक सर्टिफिकेट देगा सही है उसमें 66 में ये भी अपने पास याद रखिएगा ऑडिटर उसको एक सर्टिफिकेट देगा और उसको कहेगा यार इतना इसका इनपुट टैक्स बनता है आप उसको दे दें ठीक है तो वो जो है ना आपको FBR उस सर्टिफिकेट को भी अपने पास रखेगा उसके बेसिस पे भी जो है FBR आपको इनपुट क्लेम अपनी और भी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करवा के आपको चीज़ें देंगे वापस 66 में यही चीज़ें लिखी हुई देखें तो क्या क्या हैं और किस चीज़ के लिए 8B में ठीक है वही है उसी की बात कर रहा है ना आप इसको 66 के मिला के पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगी अब ऑडिट आपका ऑडिट हो सब्जेक्ट अगर कंपनीज ऑर्डिनेंस में आपके करवाना है ना ठीक है एक्ट में आपको रिक्वायर्ड है कि आपके ऑडिट करवाना है अपने अकाउंट्स का तो उस केस में आप ऑडिटर अकाउंट्स प्लस स्टेटमेंट ऑफ दी चार्टर अकाउंटेंट आपका ऑडिटर का तो वो आपको स्टेटमेंट देगा कि भाई हाँ ठीक है ये इसका जो है ना टैक्स बनता है तो वो आपको मिलेगा ठीक दूसरा इन केस ऑफ अदर रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन इज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन बोर्ड अगर किसको नोटिफाई करें ठीक अच्छा इसको 66 भी पढ़ ले साथ में ना 66 में क्या लिखा हुआ है नो रिफंड ऑफ अ टैक्स क्लेम टू हैव बीन पेड आर ओवर पेड थ्रू एडवर्टेंस एरर आर misconstruction or refund on account of input adjustment not claimed within the relevant tax period shall be allowed unless the claim is made within 1 year of the date of payment ठीक एक साल के अंदर अंदर वो आपको ठीक है पे की जाएगी provided that in case where a registered person did not deduct input tax within the relevant tax period the commissioner may after satisfying himself that input tax adjustment is due and admissible allow the registered person to take such adjustments in the tax period as specified by the commissioner acha fir aage kya keh raha hai provided further that in a case where the refund has become due on account of any decision or judgment of any officer of inland revenue or court or the tribunal the period of 1 year shall be reckoned from the date of a judgment or decision of such officer court or the tribunal provided further that application or claim filed under this इसमें मेन जो है ना वो है टाइम पीरियड एक साल का ठीक है अब वो कह रहा है अगर कोई कोर्ट की जजमेंट है या कमिश्नर अपील की या ट्रिब्यूनल की कि किसी की जजमेंट के बेसिस पे रिफंड देना है तो डेट स्टार्ट होगी एक साल की उस जजमेंट से ठीक है तो आप उसको उसमें ये बता रहा है मज़ीद मैं आपके साथ इसको शेयर भी करता हूँ 66 में वन साल का एक साल का पीरियड है सेक्शन याद जेहन में रखेंगे ना इस तरह तो फिर याद रहेंगे सेक्शन 66 रिफंड
ठीक है, ये आप कैसे करेंगे? सेक्शन अभी सीरीज याद रखें, सेक्शन 4, 10, सेक्शन 10 और 7 फिफ्थ शेड्यूल, ज़ीरो रेटिंग सेक्शन 4, फिफ्थ शेड्यूल ज़ीरो रेटिंग का शेड्यूल और सेक्शन 10 रिफंड का, ये आप इस तरह याद रखेंगे। दूसरा आपके पास सेक्शन 8B, 8, 7 ये सब मिला के, 7, 8, 8B ये सब मिला के इसके साथ सेक्शन 66, ठीक है। रिफंड आपको एडजस्टमेंट के नेचर में एक साल के अंदर अंदर आपको यहाँ से सेक्शन 66 में मिलेगा, ये आप इस तरह याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, 8B, सेक्शन 8B बोल लो, शेड्यूल नहीं, अच्छा सेक्शन, अच्छा ये हो गया। सेक्शन 73 है अपने पास, सेक्शन 73, ठीक, इसको आप, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, बैंकिंग चैनल के ज़रिए 50,000 से ज़्यादा अगर आप कोई भी पेमेंट करनी है वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए से की जाएगी, फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर टू बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ परचेजर, सप्लाईज की, ठीक है। अगर इस तरह नहीं किया तो आपको इनपुट टैक्स वगैरह नहीं मिलेगा, मैं आपको अभी इनपुट टैक्स भी, सेक्शन 73 पढ़ें, सेक्शन 73 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी मैं एक मुंह बना देता हूं के, बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग, क्या रिक्वायरमेंट है, मस्ट बी थ्रू क्रॉस बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस बैंक अकाउंट सप्लायर परचेजर टू बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर, ठीक है, ये सेक्शन 70, अच्छा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि 180 डेज में आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट मस्ट बी मेड, वहाँ पे 3 साल ले पे करनी थी, सेक्शन कौन सा था कोई बताएगा, 5 रुपये इनाम, पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन 180 डेज, 180 दिनों में आपने भाई वो पेमेंट करनी है, अगर नहीं की तो जो इनपुट आपने क्लेम किया था वो रिवर्स हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इनपुट तो आप क्लेम कर रहे हैं ना, पेमेंट तो की नहीं है, सिर्फ इनवाइस के बेसिस पे आप मज़े ले रहे हैं, पेमेंट की नहीं है, तो फिर कह रहे हैं कि अगर 180 डेज में आपने पेमेंट नहीं की
तो जो इनपुट आपने क्लेम किया है इनवाइस के बेसिस पे, ठीक है, आउटपुट से, तो वो आपको डिसअलाउ होगा, आपका आउटपुट में आपको मज़ीद उस साल बढ़ जाएगा। फिर आउटपुट जितना उस साल का इनपुट था 6 महीने पहले का, तो वो 7वें महीने आपके आउटपुट में ऐड होगा, लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें जो है ना, अगर आपने 50,000 ज़्यादा, ये कंडीशन अगर मीट नहीं करते हैं, आप 50,000 से ज़्यादा पेमेंट जो है ना कैश में कर रहे हैं या किसी और ओपन चेक के ज़रिए से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो है ना जो इनपुट आपको मिला था वो डिसअलाउ हो जाएगा, या 180 डेज़ में आपने पेमेंट ही नहीं की है, सप्लाईज ख़रीदी 180 डेज़ गुजर गए अभी तक आपने पेमेंट ही नहीं की, तो भी ये आपको डिसअलाउ होगा। 180 डेज़ का क्यों रखा, इसलिए कि यार ये जो है ना फेक इनवाइसेस, फ्लाइंग इनवाइसेस का बड़ा सीन चलता है, तो पता तो चले कि 6 महीने, अब इस 6 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर ली तो उसकी वैलिडिटी बढ़ गई यार, कि हाँ ये चीज़ जो है ना जेन्युइन थी, हाँ कि मैंने शाहजेब से एक माल ख़रीदा है अब उधार पे, ठीक है। अब मैं तो ये भी कर सकता हूँ ना, शाहजेब का नाम डाल के इनवाइसिस के नाम पे बना के यार मैंने माल ख़रीदा है, हालांकि माल ही नहीं ख़रीदा। लॉ कहता है 180 डेज़ में आपने शाहजेब को पेमेंट करनी है, ठीक है। अब मैं 180 डेज़ में, अब शाहजेब तो मैं भी जानता ही नहीं हूँ ना, मैंने कोई माल ही नहीं ख़रीदा, मैं सिर्फ इनवाइस बनाई है जाली उसमें डाल दी। अब उसको जेन्युइन बनाने के लिए लॉ ने कहा 180 दिन में आप पेमेंट करो भाई उसको, तो आपकी पेमेंट का पता चले हाँ वाकई में आपने ये माल ख़रीदा था उससे, ठीक है। तो इसलिए 180 डेज़ का रखा, अब मैं पेमेंट करूँगा शाहजेब को तो वो चीज़ जेन्युइन हो जाएगी कि हाँ वाकई में इस माल ख़रीदा तभी तो पेमेंट गई है। अब साल जैसे ही साल, 2 साल 3 साल गुजर गए, तो जैसे ही चीज़ पुरानी हो जाती है तो उसको ट्रेस करना भी मुश्किल होता है, ट्रांजेक्शन का वो भी बढ़ जाता है, क्वांटम भी बढ़ जाता है, तो उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने रखा 6 महीने का, 180 डेज़ में आपको पेमेंट करनी है उसको। सज़ा क्या होगी इसकी अगर ये नहीं करते हैं तो? सबसे बड़ी सज़ा यही है ना, आपके इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा इसमें। ये इसमें होगा लॉ में, देखो अच्छा इसमें ये 50,000 की जो लिमिट है ये यूटिलिटी बिल्स के अलावा है, ठीक है, यूटिलिटी बिल्स एक्सक्लूडिंग है उसमें शामिल है, उसकी पेमेंट आप कैश में कर सकते हैं, मैंने इसीलिए लिख दिया गेन सप्लाइज। सेक्शन 8 में आते हैं मेरे ख्याल में ना, ये अगर हो गया तो सेक्शन 8 खोलें, उसमें कहता है कि यार आपको इनपुट टैक्स कहाँ कहाँ अलाउ नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है, यहाँ पे डिस अलाउ कर रहा है डायरेक्ट कि भाई अगर ये काम करेंगे तो आपको इनपुट टैक्स की जो है एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी।
अच्छा, एट में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं इसी से ना, आप अपने पास नोट डाउन कर रहे हैं। अच्छा, एट में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंट इन दिस एक्ट। कह रहे हैं कि यार नॉट विद स्टैंडिंग का वर्ड जो जहाँ भी आता है ना, बोले कि यार जहाँ कहीं भी कुछ भी लिखा हो उसको छोड़ दें आप। इस एक्ट में कहीं कुछ भी लिखा हुआ उसको छोड़ें, अभी ये जो मैं इस सेक्शन में जो बताया जा रहा है वही अप्लाई होगा। ठीक है, अगर कहीं भी वर्ड लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट के वर्ड, ठीक है, तो वो कहेगा कि यार उनको भी देखिएगा, कि उस सेक्शन को भी देखिएगा, उसको मद्देनजर रखते हुए ये अप्लाई होगा। और यहाँ पे कह रहा है कि नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, ठीक है, वो कह रहा है उसमें क्या होगा, वो कहेगा कि कहीं भी कुछ भी पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है उसको छोड़ें, अभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर ये काम करेंगे तो सेक्शन में कहीं भी किसको रिलीफ कुछ मिला हुआ भी है ना, तो अप्लाई होगा, नहीं मिलेगा यहाँ पे। अब क्या कह रहे हैं, टैक्स रेटेड नॉट अलाउड नॉट डिस्टेंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू रिक्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन, किसके ऊपर, नंबर द गुड्स आर सर्विसेज यूज आर टू बी यूज फॉर एनी पर्पज अदर देन फॉर टैक्सेबल सप्लाइज मेड आर टू बी मेड बाई हिम। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाइज के अलावा आपने कोई गुड्स और सर्विसेज एक्वाइर्ड किए, ठीक है, तो उसके ऊपर जो आपने इनपुट टैक्स दिया है वो आपको नहीं मिलेगा, अदर देन बिजनेस टैक्सेबल सप्लाइज के लिए। ओके, दूसरा क्या कह रहा है, एनी अदर गुड्स आर सर्विसेज विच द फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन द ऑफिशियल गजट, कोई भी जो है ना वो बता सकते हैं कि इसके ऊपर जो है आपको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट को बताता है ना, उसके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं मिलता। ठीक, अच्छा, अब तीसरा सी लिखा हुआ है द गुड्स अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3, अच्छा आगे इसको पढ़ते हैं, सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3, द गुड्स आर सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सेल टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिट इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है, ऐसे गुड्स या रॉ मटेरियल जिसके अगेंस्ट में इनपुट टैक्स जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी में नहीं जमा किया गया, तो वो इनपुट टैक्स आपको नहीं मिलेगा। गुड्स आर सर्विसेज अगेंस्ट विच सेल टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिट इन टू गवर्नमेंट ट्रेजरी, ठीक है, बाय द रेस्पेक्टिव सप्लायर। ठीक, आगे कह रहा है परचेज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच आर डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय क्रेस्ट आर इनपुट टैक्स ऑफ विच इज नॉट वेरीफाइबल इन दिस सप्लाई चेन, यानी कि फ्लाइंग या फेक इनवाइसेस का कोई सीन हो। ठीक है, क्रेस्ट आपका सिस्टम है कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ सेल्स टैक्स, ठीक, वो इवेल्युएट करता है अपनी जो है ना इनपुट को आउटपुट को, ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन मिलाता है। हाँ, स्ट्राइव, स्ट्राइव आया, क्रेस्ट भी है लेकिन स्ट्राइव ज़्यादा वो है, इफिशेंट है। ठीक, तो क्रेस्ट की बात कर रहे हैं, तो क्रेस्ट अगर किसी भी सप्लाई चेन में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई करता है तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा उसमें, जब तक कि वो वेरीफाई ना हो। ठीक है, आगे के हाँ, एनेक्सर सी जो है पार्ट ऑफ जो है रिटर्न है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो रिटर्न है, समझे, रिटर्न जो आप भरते हैं ना अपने सेल डिक्लेयर करते हैं एनेक्सर सी में, वो सेल्स डिक्लेयर करते हैं हम उसमें, क्रेस्ट अलग सिस्टम है, क्रेस्ट उसी आपकी जो रिटर्न है उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करता और उसके सप्लायर और बायर को आपके उससे मिलाता है। अच्छा, फिर कह रहा है फेक इनवाइसेस, के आपने फेक इनवाइसेस जो है ना क्लेम कर ली, ठीक है, उसके अगेंस्ट में इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहा है, परचेज इज मेड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन इन केस ही फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बोर्ड थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 26। ठीक है, अगर बोर्ड कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करे, ठीक, अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाता तो
उसको भी इनपुट टैक्स डिसअलाउ होगा। अच्छा, आगे लिखा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिलेटेड टू द टैक्सेबल सप्लाईज मेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये भी वही फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का सीन है। होता क्या है कि आप कर रहे हैं मोटरसाइकिल का काम, ठीक, और आपने इनपुट क्लेम किया हुआ है कंप्रेसर के अगेंस्ट, या आपने ऐसी कोई चीज़ ख़रीदी है से कि आप कहें कि यार मैंने पंखे ख़रीदे हैं, ठीक, या आप कहें कि यार मैंने जो है ना कोई इररिलेवेंट चीज़ जो उससे पर्टेन नहीं करती है आपकी बिज़नेस से, ठीक, आपको क्या लाओगा मुझे बताएं। तब वो चीज़ लाओगी ना जैसे वो पटेन करती है। मोटरसाइकिल के लिए क्या चाहिए? टायर चाहिए। टायर आपने ख़रीदे हैं, ठीक, तो आपको इनपुट मिल जाएगा। अगर आपने ट्यूब ख़रीदे टायर और ट्यूब, इनपुट मिल जाएगा। आपने अगर उसकी सीट ख़रीदी है, ठीक है, तो वो उसके अगेंस्ट में जो इनपुट टैक्स था वो मिल जाएगा आपको। लेकिन आपने कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है जो उससे पटेन ही नहीं कर रहा अपने बिज़नेस से, तो इसमें ये हुआ कि यार ये फेक इनवॉइसेस है, फ्लाइंग है, ये नहीं मिलेगा आपको टैक्स, ठीक है, समझ गए। आगे क्या कह रहा है कि गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड फॉर पर्सनल और नॉन बिजनेस कंजम्पशन, ठीक, आपने कहा कि यार मैं टिश्यू वगैरह इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि टिश्यू जो है ना आप ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स है वो भी डाल लिया आपने उसमें, क्या कहते हैं कि भाई ये भी मैंने ख़रीदा है ऑफिस और पर्सनल कंजम्पशन नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो चीज़ ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा आपको। गुड्स यूज इन आर परमानेंटली अटैच टू इमूवेबल प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटीरियल पेंट्स इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स पाइप्स वायर्स एंड केबल्स बट एक्सक्लूडिंग प्री फेब्रिकेटेड बिल्डिंग्स एंड सच गुड्स acquired for sale or resale or for direct use in the production or manufacture of taxable goods, ठीक है। अगर इस तरह कोई चीज़ आप ख़रीदते हैं फिटिंग्स है, जैसे आपने ऑफिस में लगाने के लिए इन्होंने क्या किया ऐसी ख़रीद ली, इसके ऊपर टैक्स है, थर्ड शेड्यूल आइटम है, वो आप क्लेम नहीं कर सकते उस चीज़ों को। या आपने पेंट करवाना है वहाँ पर उसके ऊपर भी टैक्स है, पेंट है, इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर टैक्स है, इनपुट टैक्स आप ले के ख़रीदते हैं ऑफिस में जाके यूज़ करेंगे तो जो है ना वो आपके उसमें काम नहीं आएंगे। एक्सक्लूडिंग जैसे आपने जो है ना कोई मशीनरी ख़रीदी है जो आप यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, तो उस मशीनरी के ऊपर आपको टैक्स मिलेगा। एक्सपेंस पार्ट बन जाएगा आपका, बिल्कुल, ठीक है, इसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा इन चीज़ों पर। इसके अलावा जो आप जो है ना प्रोडक्शन से रिलेवेंट परटेन करने वाली कोई भी चीज़ें डायरेक्ट मशीनरी है आपने लगा दी, तो उसके ऊपर वो मशीनरी ख़रीदते हुए आपने इनपुट टैक्स पे किया था, तो उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। क्या मतलब? हाँ, बिल्कुल, अगर इनपुट नहीं मिल रहा तो इनपुट टैक्स जो आपने दिया है ना वो आपको मिल जाएगा, इनपुट एडजस्टमेंट मिल जाएगी उसकी, ठीक है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, कस्टम ड्यूटी बन जाएगी और जो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस है ना उसमें वो पार्ट बन जाएंगे, कॉस्ट का पार्ट वो बन जाएगा। ये तो आपको मिल जाएगा आगे आके आप जो है इसको इंस्टॉल करते हैं, आप अपनी इनवाइस दिखाते हैं कि यार मशीनरी खरीदी थी फिक्स एसेट था, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपको रिफंड मिल रहा है, तो वो जो टैक्स आपने पे किया सेल टैक्स मद में वो तो आपको ऑफिस मिल गया, निकाल। अच्छा, इनकम टैक्स में जो है ना आप क्या करेंगे, कॉस्ट की हमने पढ़ा था कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट क्या होगी, सेक्शन 69 था शायद, ठीक, कि भाई कॉस्ट क्या होगी उसकी किसी भी चीज़ की, तो कॉस्ट में जो है ना ये चीज़ें हैं शामिल है कि आपने एक्चुअल कंसिडरेशन जो पे की है एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ठीक है, और उसमें शामिल नहीं करना है जो रिफंडेबल हो,
रिफंडेबल टैक्सेस आप लेस करेंगे फिर आपके कॉस्ट बन जाएगी। कस्टम ड्यूटी जो है ना कॉस्ट का पार्ट बनती है, वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेल टैक्स जो है ना, अगर आपको इस तरह आपको रिफंड मिल जाता है उस पर, रिफंड या एडजस्टमेंट, इनपुट एडजस्टमेंट, ठीक है, तो वो जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। एक इनकम टैक्स में कैसे इनपुट ले रहा है, जो मशीन एक्वायर करेगा बाहर से, हाँ, तो आपने कहा कि सेल टैक्स देगा तो वो उसको रिफंडेबल होगा इनपुट टैक्स, लेकिन वो जो कॉस्ट उसकी इनपुट से जो प्लांट मशीनरी ले रहा है उस पे वो डेप्रिसिएशन भी क्लेम करेगा। वही तो बोल रहा हूँ, डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस के लिए कॉस्ट को डिटरमिन करेगा। कॉस्ट पे क्या क्या फॉल करेगी, एक्चुअल जो मनी आपने कंसिडरेशन में दिए, ठीक है, दो एक चीज, दूसरी जो भी जो टैक्सेस दिए नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, दो हो गए, तीसरी जो है ना उसको उस करंट पोजीशन में लाने के लिए जिसको जो इंटेंडेड यूज था उस तक लाने के लिए जो भी आपने कॉस्ट बेयर की, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ठीक है, टेक्निकल जो आप इंजीनियर हायर करके उसको लगा लिया तो भी उसका कॉस्ट का पार्ट बनेगा। आपने उसकी कॉस्ट डिटरमिन की, आपने कहा यार इसकी कॉस्ट, ठीक है, फिर उसके बाद आप इनिशियल अलाउंस उस पर चले जाएंगे। अच्छा, अब अच्छा ये क्या है, व्हीकल फॉलिंग ऑन इन चैप्टर 87 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द कस्टम एक्ट 1969, पार्ट्स ऑफ सच व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल एंड गैस कम अप्लायंसेस, फर्नीचर, फर्निशिंग्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कैश रजिस्टर्स वर एक्सक्लूडिंग सच गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, ठीक है, ठीक है। अब 87 में जो वो बता रहा है, अगर इसमें कोई भी फॉल करेगा, ठीक है, उसमें क्या है, मशीनरी वगैरह, फिक्स एसेट्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो वो 87 वाले जितने भी चीज़ें हैं ना वो आपको उनके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। जनरल टर्म में आप सिर्फ इसको यूज करें, 87 का याद रखिएगा, 87 में अगर कोई फॉल करता है, चैप्टर है 99 टोटल कस्टम एक्ट में, ठीक है, तो उसके चैप्टर में वो उन्होंने बाइफरकेट किया हुआ है। टैरिफ अगर डाउनलोड करेंगे ना तो HS कोड के हिसाब से कि यार ये इस चैप्टर में फॉल करता है और उसका HS कोड ये है, ठीक है, तो उसको डिफाइन किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि पहले सेल टैक्स जो है ना कस्टम का पार्ट था, तो कस्टम को उन्होंने बार बार यहाँ पे रेफरेंस दिए हुए कस्टम एक्ट के, ठीक है। तो अब 87 का आप याद रखिएगा, 87 में अगर कोई भी गुड्स फॉल करती है तो उनके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा आपको। सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट इज बार्ड अंडर द रेस्पेक्टिव प्रोविंशियल सेल्स टैक्स एक्ट लॉस, हाँ, हाँ, मतलब बाहर मतलब बैन लगाना, अच्छा, अब ये समझे, ये सेल टैक्स एंड सर्विसेज जो है वो प्रोविंस का सब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब आप कोई सर्विस एक्वायर करते हैं, आप हैं मैन्युफैक्चरर, आप कोई सर्विस लेते हैं किसी से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी इंजीनियर की सर्विसेज ले ली, अब इंजीनियर ने आपको इनवाइस की, इंजीनियरिंग फर्म ने आपको इनवाइस की और इनवाइस के साथ उन्होंने 13% SRB लगा के आपको दे दिया। अब आप हैं मैन्युफैक्चरर, आप क्या करेंगे, आपको वो जो इनपुट टैक्स है वो अलाउ होगा, हाँ, ठीक है। पहले तो ये समझे कि आपके पास सर्विस का जो पार्ट है वो आप जो ना प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है, एग्रीड है सब, SRB बन गया, हर सूबे का अपना एक रेवेन्यू अथॉरिटी बन गई है, ठीक है, सिंध में जो है ना सिंध रेवेन्यू बोर्ड है SRB, ठीक है। अब उसका जो रेट है 13% है SRB का, जनरल जो हमारे पास 17%, उनका कितना 13%,
अब हो क्या रहा है, ये है सर्विसेज पे। अच्छा, अब एक इंजीनियरिंग फर्म है एबीसी एंड को इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो जो है एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कि प्राइवेट लिमिटेड को सर्विसेज दे रही है। इसने जो है ना एक मशीन खरीदा, उसको जो है ना इंस्टॉल कराना है, तो इंस्टॉल जो है ना इसने करके देना है, ठीक है। तो जब भी और इनकी जो आपस में बात हो गई कि इनवाइस जो है हम करेंगे फॉर एग्जांपल 10 लाख की, ठीक। अब 10 लाख रुपए की सर्विसेज दे रहा, इसके ऊपर जो है ना 13% लगाए 1,30,000 रुपये सेल टैक्स, सिन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज SSTS, सिन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज 13% के हिसाब से टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 11,30,000। अच्छा, ये आप ये जो है ना इसके लिए आउटपुट हो गया, ठीक है। सर्विस दे रहा है सर्विस पे, और एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड के लिए क्या हुआ इनपुट। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो है ना सर्विस के ऊपर इनपुट क्लेम कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। 13% करेगा, ठीक है। ये आप इनपुट जो है ना एक्स वाई जेड के लिए इनपुट हुआ कितना, 1,30,000, जो के एबीसी ने इससे लिया है, ठीक है। ये जो सेक्शन बता रहा है कि यार इस तरह कोई भी सेक्शन यहाँ पे जो बोल रहा है कि इस तरह कोई भी टैक्स जो सिंस सर्विसेज जो एक्ट हैं 2011 का, उसके तहत अगर उस पर कोई, जिस तरह हमारे पास सेक्शन 8 है, उनके पास कोई सेक्शन होगा जिसमें जो ना कि भाई इन सर्विसेज पे आप जो ना इनपुट आउटपुट इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, तो आप यहाँ पे भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वो इस पे लगा लेता कि यार ये अगर सर्विस कोई लेता है कोई दूसरी भी वहाँ पे, ठीक है, सिंस सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट जो है 2011 का, वो बता देता है कि यार ये जो सर्विस इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं ये 1,30,000 रुपये बिल्कुल हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट में ये इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो है ना ये यहाँ पे भी FBR में भी नहीं कर सकते अगर उन्होंने वहाँ पे अपने पर बार लगाया हुआ है, ठीक है। दो मुख्तलिफ इदारे, पहले ये सब एक ही उसमें अम्ब्रेला में काम करते थे, सर्विसेज और सेल टैक्स गुड्स पे। अब वह 18 अमेंडमेंट आई, इन्होंने जो है ना हर एक को सुबह को अलग कर दिया, यार सर्विस आप जानो आपके काम, सर्विस पे जो भी टैक्स होगा आप जो है ना कलेक्ट करें, खुद खर्च कर लें, ठीक है। तो सिंध ने अपना इदारा बनाया, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है एक्ट पास हुआ 2011 का, ठीक है, वो एक इदारा बना SRB का, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जिस तरह हमारे FBR है, उन्होंने एक इदारा बनाया। वहाँ पे उन्होंने इस कानून को नाफिज करने के लिए 2011 के लिए बंदे रखे, और वो जो है ना अपनी सर्विसेज पे काम स्टार्ट कर दिया। अब पूरे उसमें इंश्योरेंस कंपनीज की सर्विसेज हैं, बैंकिंग कंपनी सर्विसेज में फॉल करती हैं, ठीक है, और आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक, और शिप्स हैं, बोर्ड कासिम में चले जाएँ वहाँ चले जाए तो सब जो है ना सर्विसेज दे रहे होते हैं। तो एक बड़ा अमाउंट जो है ना वो सर्विसेज के मद में यहाँ पे सिंध रेवेन्यू बोर्ड पे चला गया है यहाँ, और वहाँ पे इनपुट आउटपुट सारा एडजस्टमेंट वगैरह नॉर्मली जिस तरह हमारे पास यहाँ होती है वहाँ पे भी ऐसी होती है। FBR के पास जो है गुड्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो हैं बस, इम्पोर्टर्स हैं, वो भी एक बड़ा सेक्टर है, लेकिन ये ज़्यादा मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट्स है पाकिस्तान में सबसे बड़ा। तो
इनकम से तो हम FBR ही करेंगे। सर्विसेज जो सेल टैक्स का होगा ना वो फिर प्रोविंस में जाएगा। हाँ उनकी इनकम पे हम करेंगे, इनकम कहीं नहीं जाएगी कहीं किसी की। हाँ बाजारक की अपनी मर्जी है। ये असल में यार इन्होंने अपनस में किया तो यही है, अब SRB है वो भी पराल नहीं, हमारी जो कंपनी FBR में जो IRS वगैरह बनाया है वो भी पराल ने बनाया। पराल एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह करती हैं, IT का सेक्टर है समझे, IT का डिपार्टमेंट है, उसको कंपनी बनाया अलग से, ठीक है। तो वो पराल ने ही इनका सॉफ्टवेयर बनाया SRB वालों का, पराल ही कर रहा है उसको भी सेम एज इट इज़ हमारा कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड, लाइक कुछ लिंक्स है जाहिर से बात कुछ ना कुछ रह जाता है। जिस तरह क्रेस्ट है यहाँ पे एक ही इदारे में सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, मैं आपको सेल कर रहा हूँ मेरी सेल आपकी परचेजेस दिख रही होगी वो, लेकिन एक आउट ऑफ जो बाउंड्री है तो उससे कनेक्ट किया हुआ है या करेंगे भी तो रिस्क भी है हो सकता है यार आपस में, इसलिए थोड़ा सा ये रहता है मसला। प्रोविंशियल विफाक से लेती हैं, नहीं तो वो बजट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है ना कि फेडरल गवर्नमेंट जो है समझे माँ है, ये सब जो है ना बच्चे हैं तो बच्चों को चलाने के लिए बच्चे तो हो रहे हैं अब। ये असल में बस 18 अमेंडमेंट के बाद जो हुआ आप क्या कर सकते हैं, खर्चे भी। हाँ यार इसका मुझे अभी इलम नहीं है क्योंकि मैं इसे टच में नहीं हूँ ज़्यादा ना, सिर्फ ये है कि पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी है। हाँ SRB बहुत अच्छा चल रहा है, रिवार्ड सिस्टम बहुत अच्छा है उधर, वो जो अपनी एम्प्लॉइज़ की सैलरी जो रखी है ना ऑडिटर की जो सैलरी स्टार्टिंग तनख्वाह तकरीबन 75-80 हज़ार रुपये 16 में है, मैं भी 16 में हूँ और हमारी जो 75 हमारी स्टार्टिंग थी 6-7 महीने तक तो 35 हज़ार थी, फिर जो है ना 7 महीने बाद हमारी तनख्वाह जो है ना 10 हज़ार बढ़ी थी 45 हो गई, वो 10 हज़ार एक FBR अलाउंस मिलता है स्पेशल अलाउंस, ठीक है वो इक्वल टू बेसिक सैलरी है, अगर वो डिफ्रीज हो जाए ना आप अमीर बन जाओगे। वो कितना है? हाँ वो इस तरह है, वो डबल किस तरह मिलती है बेसिक आपकी फॉर एग्जांपल मैं आपकी सैलरी नहीं बताऊंगा। अच्छा ये आपकी बेसिक सैलरी है, अच्छा मेरी बेसिक है पता नहीं 24 हज़ार यूँ कुछ हैं, 24 हज़ार 25 हज़ार कर लो ठीक है, मंथली बता रहा हूँ। FBR में जो है ना क्या है कि वो FBR उसको क्या कहते हैं FBR अलाउंस 5 हज़ार है और एक जो है ना परफॉर्मेंस अलाउंस कह दें, परफॉर्मेंस अलाउंस या IJP कहते हैं, IJP कहते हैं, IJP इसको IJP ठीक है, ये हैं 10 हज़ार रुपये, ये हैं ये अभी हमारे लिए 10 हज़ार हैं, ये 2010 में फ्रीज हो चुका था उसकी बेसिक के अगेंस्ट था ये। हाँ मंथली मंथली, अच्छा ये क्या है IJP 10 हज़ार रुपये, अच्छा ये इक्वल टू बेसिक सैलरी आपकी बेसिक फॉर एग्जांपल हर साल जो इंक्रीमेंट लगता है साल में तो वो लगता है 1580 है मेरे ख्याल में,
1580, तो हर साल आपके डबल बढ़ेंगे 1580 के। ठीक है, एक ही फ़ायदा होता है। अच्छा, अब अगर मेरी सैलरी ये 10,000 है, अगर ये डिफ्रीज हो जाता है तो मेरी जो है ना 15,000 डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये होगा मेरी डबल इस तरह बढ़ती रहेगी। तीसरा, बजट जो है ना वो दे देते हैं किस पे, बजट दे देते हैं कि 10% बेसिक के, तो उस पर भी जो है ना डबल ट्रिपल बढ़ती रहेगी, आराम से चली जाएगी। ये इसके ऊपर बड़ा झगड़ा चल रहा है। आप देखो, ये 2014 से फिर 10 में फ्रीज किया था हमारे लिए, फिर 14 से फिर कुछ हुआ था बीच में, फिर 14 से दोबारा डिफ्रीज था। अब कोर्ट जो है ना, बोर्ड कह रही है कि हम आपको ऑनवर्ड दे देते हैं, ऑनवर्ड इसको डिफ्रीज करते हैं। यहाँ पे इम्प्लॉइज जो हमारी यूनियंस वगैरह है ना, वो कह रही नहीं, हमें पुराना एरियर दे दो पहले। मैं सर जान छोड़ें, ऑफिसर से बात हो रही थी, कह रहे हैं कि आप जान छोड़ें। मैंने बोला यार ये इस तरह करते हैं, अगर इस्तीफ़ा करेंगे ना फिर आगे जाके फिर दोबारा डिफ्रीज करेंगे। हाँ, सब को ये आपकी जो बेसिक है ना उसके इक्वल मिलेगा आपको, आपकी ये सबको मिलता है, ऐसा नहीं है। ये है परफॉर्मेंस अलाउंस कहें, IGP कहें, ठीक है, उनकी ज़्यादा सही अच्छी है। हाँ, फेडरल के कम है इसीलिए। SRB यार ये 10,000 का है यार, बस और कुछ नहीं है, इधर क्या है। सही है, ये अगर डिफ्रीज हो जाए ना आपको अच्छी खासी मतलब वो मोटिवेशन मिल जाती है बंदे को। दूसरा, ये आपके पास SRB में चले जाए ना, मेरा दोस्त है SRB में असिस्टेंट कमिश्नर, उसके 4 साल भी नहीं हुए और उसकी तकरीबन मेरे हिसाब से 2.5 लाख रुपए सैलरी बनती है 4 साल में। 2.5 लाख रुपए असिस्टेंट कमिश्नर है यार, हमारे इधर असिस्टेंट कमिश्नर कितने में आते हैं, 75-80 हज़ार रुपये, 75-80 हज़ार रुपये 17। तो ये हैं कुछ चीज़ें। अगर वर्ल्ड बैंक इस पर काम भी कर रहा है, अगर वर्ल्ड बैंक हमें कुछ दे दे तो हम पता नहीं कहाँ जाते हैं। पता नहीं कि सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करते हैं इन लोग। अच्छा यार, ये एक जो है M में लिखा हुआ है, द इनपुट गुड्स आर सर्विसेज एट्रिब्यूटेबल टू सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन प्रोरेटा बेसिस फॉर विच सेल इनवाइस डू नॉट बियर द NIC नंबर और NTN एज द केस मे बी ऑफ द रेसिपिएंट एज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन 23। एक रिक्वायरमेंट रखी थी उसकी कि आप अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को 50,000 से ज़्यादा सेल करेंगे तो आपको उसकी CNIC और NTN जो है ना प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर है तो। तो अगर CNIC नहीं देंगे तो वो इनपुट टैक्स डिसअलाउ हो जाएगा आपको प्रोरेटा बेसिस पे। ये एक रिक्वायरमेंट रखी थी, ये भी कोई इमरान खान की गवर्नमेंट शुरू में आई थी ना, जिन्होंने 50,000 से कि भाई CNIC दो, कर रहे हैं बस, पता नहीं यही करते हैं। अभी POs के ऊपर जो हड़तालें चल रही हैं पॉइंट ऑफ सेल, नहीं वो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई चेन वाले,
वो तो कर सकते हैं ना। नहीं, आप रिटेलर की बात नहीं हो रही यहाँ पे। रिटेलर फाइनल कंज्यूमर से नहीं लेगा। रिटेलर फॉर एग्जांपल भाई, ये अगर आप जो है ना यहाँ पे शॉप्स वाले बैठे हुए हैं, शॉप्स वाला जाके डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर से ले लेता है 50,000 लाख से ज़्यादा का माल, तो उसको देना पड़ेगा। अब उसके ऊपर झगड़ा हो रहा था ना। फाइनल कंज्यूमर पाकिस्तान में ज़्यादातर मिडिल तबका है, उसकी जो है ना माहाना खर्चा कितना होगा अगर एक छोटी फैमिली है? 50,000 से कम ही होता है। अच्छा, ये फिर आगे लिखा हुआ है सबसेक्शन 2 में, इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाइज, ही कैन रिक्लेम ओनली सच प्रोपोर्शन ऑफ द इनपुट टैक्स एज इज एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाइज इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड बाई द बोर्ड। अपोर्शनमेंट वाला जो है ना, देखिए एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाइज की बात करते हैं, जीरो रेटेड डी, ठीक है। एक ही बंदा 1% सेल्स टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाइज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा इनपुट टैक्स को अपोर्शनमेंट करने के लिए, इसको कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स। ठीक है, ये है रेजिडुअल इनपुट टैक्स। देखें, आपने कोई भी रॉ मटेरियल ख़रीदा, समझे पहले फिर जो ना नोट करें, कोई भी रॉ मटेरियल ख़रीदा है, ठीक है, उसके ऊपर आपने इनपुट टैक्स दिया है और उससे जो है ना आप गुड्स बना रहे हैं, दो टाइप की, एक जो है ना गुड्स हैं एग्जेम्प्ट, एक हैं टैक्सेबल। अब आप जो है ना इसको प्रोपोर्शन करना है आपने कि एग्जेम्प्ट के लिए कितना यूज़ हुआ और टैक्सेबल के लिए कितना हुआ। अच्छा, ये जो इनपुट टैक्स आपने दिया है ना, वो जो रॉ मटेरियल के ऊपर, इसको कहते हैं रेजिडुअल इनपुट टैक्स, जो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाईज दोनों के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आप जो है ना कहें कि यार ये टैक्सेबल सप्लाईज की जो वैल्यू है ये 1,00,000 है, फिर 1,00,000 ये हो गए टोटल, ये प्लस कितना एग्जेम्प्ट सप्लाईज की 1,50,000 और रेजिडुअल इनपुट टैक्स में कहूँ कि टोटल जो आपने यूज़ किया इसके ऊपर ये वैल्यू है, ठीक है, ये टैक्स, ये इनपुट टैक्स है, ये वैल्यू है टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू, एग्जेम्प्ट सप्लाईज की वैल्यू, टैक्सेबल सप्लाईज की वैल्यू। तो मैं कहूँ कि यार ये जो है ना 30,000 रुपये इनपुट टैक्स है टोटल। अब आप जो है ना इसका वो निकालें, कितना आया, कितना
कितना? 12,000। ठीक है, 12,000 रुपये आपका ये आ गया इनपुट टैक्स, ठीक है, अगेंस्ट टैक्सेबल सप्लाईज, ये आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी आपके पास बच गया कितना? 30,000, 18,000 आप जो है क्लेम नहीं कर सकते। ये 12,000 टैक्सेबल सप्लाईज के रेजिडुअल इनपुट टैक्स आ गया इसमें, वो एग्जाम सप्लाईज की, ये मिल जाएगा आपको ऐसे ही, जो है ना। अच्छा, ये कर लिया? क्या हो रहा है? अच्छा, ये हो गया जल्दी से? जी हाँ, ये रेजिडुअल इनपुट टैक्स जो है ना रॉ मटेरियल पे जो आपने खरीदा है, ये इसको कहते हैं कि रेजिडुअल इनपुट टैक्स, वो टैक्स जो रॉ मटेरियल पे किया है, जो रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल सप्लाईज दोनों के लिए। हाँ, इनपुट टैक्स देखो ना, जीरो रेटेड में तो क्लेम कर सकता है, फिर परसेंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है ना, सिर्फ एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल सप्लाईज का बात हो रही है। भले तो हाँ, ये भी हो सकता है अपॉर्चुनमेंट। सही, ठीक है। एग्जेम्प्ट के अगेंस्ट जो है ना आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते, याद रखिएगा यार, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। जीरो रेटेड और एग्जेम्प्ट में सबसे मेन डिफरेंस जो है ये है इनपुट टैक्स का। इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं जीरो रेटेड में, और एग्जेम्प्ट में आप जीरो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जेम्प्ट जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्री है, यानी कि टैक्स सेल टैक्स की एम्बिट से बाहर है। जीरो रेटेड पे टैक्स लगता है लेकिन एट द रेट ऑफ 0%, तो 17% से 0% का जो डिफरेंस है वो उसको रिफंड मिलेगा, यानी कि ठीक है। अच्छा, अब ये है कि दो सेक्शन इसमें आगे ये भी जेहन में रखिएगा कि वो कह रहा है कि अगर कोई बंदा फिक्स बेसिस पे इस एक्ट के तहत फिक्स बेसिस पे कहीं टैक्स दे रहा हो तो उसको कोई इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। हाँ, नहीं, फिक्स बेसिस कमर्शियल इंपोर्टर थोड़ी है। आप जो ना ब्रिक्स की एग्जांपल ले लें, नहीं कर सकता, बस वो दे दिया आपने, आप इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। सेप सेक्शन ये इसमें लिखा हुआ है, कौन सा है? 5 में,
कि अगर कोई बंदा फिक्स बेसिस पे कहीं टैक्स दे रहा हो तो इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। याद रखिएगा कि यार ये जहन में एमसीक्यू बन सकता है आपका कि इनपुट टैक्स फिक्स बेसिस पे नहीं मिलेगा आपको। फिक्स बेसिस मैंने शेड्यूल कौन सा पढ़ाया था आनंद? 10, 10, 12 कमर्शियल इंपोर्टर का है ना, हाँ रिड्यूस रेट का था, ठीक है। 6, 7 ओमिट हुआ हुआ है, 1, 2 ओमिट है, 3 ओमिट है, 4 ओमिट है, 3 रिटेल का है, 5 जीरो रेटेड का हो गया, 6 एग्जेम्प्ट का हो गया, 7 ओमिट है, 8 रिड्यूस रेट का हो गया, 9 जो है सेलुलर फ़ोन का है, सेलुलर और सही है उसका सिम का और मोबाइल का 9 हो गया, 10वां आपका इसके एंड में है ना अपने पास, हाँ सेल टैक्स एक्ट में है एंड में, दे देता हूँ 10 आपका फिक्स का है, फिक्स रेट का, 11वां जो है ना विदहोल्डिंग का है, 12वां कमर्शियल इंपोर्टर का है, 13वां आपका नहीं अभी तो नया है कौन सा मिनिमम प्रोडक्शन वाला जो मैंने कल बताया था री रोलर वाला, ठीक है। अच्छा फिक्स बेसिस पे आपको कोई इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अच्छा अब आप जो है ना इसमें आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर इनपुट टैक्स नॉट एडमिसिबल इज़ नॉट अलाउबल, ठीक है नॉट क्लेमेबल, इस तरह यूज कर सकता है। तो ये आप देखिएगा फेक फ्लाइंग इन्वाइसिस का आ गया आपके पास, ठीक है नॉन बिजनेस पर्पजेज़ के लिए आपके पास आ गया, आपने कोई गुड्स खरीदे टैक्सेबल एक्टिविटी के अलावा आपने कोई गुड्स जो है ना खरीद के जो है ना बेच किया काम किया है तो उसके ऊपर इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। अपोर्शनमेंट एग्जेम्प्ट सप्लाइज के अगेंस्ट आपको नहीं मिलेगा, ये मैंने बताया आपको अपोर्शनमेंट आपने नहीं किए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपके पास कह रहा है फिक्स बेसिस पे अगर आपको कहीं पे लागू हैं तो आपके को टैक्स जो है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब सेक्शन 8 में आ जाए, 8A में, 8A में जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, 8A में जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी किसको कह रहा है कि यार अगर कोई बंदा आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को पता हो कि भाई वो जो सप्लाई ले रहा है और उसको पता हो नॉलेज में हो कि इसके अगेंस्ट में टैक्स नहीं पे किया गया है किसी भी स्टेज पे तो वो जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल होगा उस टैक्स के अगेंस्ट में। डिपार्टमेंट को ये प्रूफ करना होगा कि ये आपको पता थी ये बात, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, परचेजर सेलर, सेलर परचेजर, परचेजर सेलर इस तरह चल रहा है, होलसेलर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फाइनल कंज्यूमर। अब इसी भी किसी भी चेन में जो है दो पर्सन आपस में जो है ना सेल परचेस करते हैं, अब खरीदने वाला, खरीदने वाले के ऊपर भी ये लाइबिलिटी हैं, ये FBR डिपार्टमेंट को प्रूफ करना होगा कि आपको पता था इस ये जो आपने कंसाइनमेंट खरीदा है इस बंदे से, सप्लाईज खरीदी है इसके अगेंस्ट में टैक्स पे नहीं हुआ या कोई भी सप्लाई जो होने वाली है आगे जाके सप्लाई होने वाली है आपको, ठीक है उसके अगेंस्ट टैक्स पे नहीं हुआ तो वो कहेगा कि FBR ये प्रूफ करेगा ये बात कि आपको पता था, ये पता करना कि आपको पता था कि ये टैक्स पे नहीं हुआ फिर भी ये आपने माल खरीदा, ठीक तो वो जो है ना जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होगा उससे जो है ना वो टैक्स रिकवर किया जाएगा 8A में। अब एक दफ़ा पढ़ लें, ये FBR को प्रूफ करना आपके पास एक बंदा है फॉर एग्जांपल आप, मैं आपसे कहूँ कि मैंने क्लास के अनाउंसमेंट की, ठीक है आज सुबह 10 बजे और आप कहती हैं कि आपने सर अनाउंस ही नहीं किया, ठीक है मेरा आपका झगड़ा ही चल रहा है आपने अनाउंस नहीं किया, मैं कहूँगा मैंने तो अनाउंस किया है ग्रुप में भी दिया है, ठीक तो आप कहती हैं मेरा प्रूफ है ना, मतलब देखें ठीक है सब और भी स्टूडेंट है ना वो तो आ गए वो कैसे आए फिर तो आप मानना पड़ेगा ना, तो ऐसी कोई ना कोई बात होती, कोई ना कोई इनके पास एविडेंस होता कि ये बात आपको पता थी कि ये बंदा डिफॉल्टर है, ये जो सप्लाई आपने ली है इसके अगेंस्ट में इन्होंने टैक्स
पे नहीं किया है, ये बात आपको पता थी, उसके बावजूद भी आपने ये सप्लाई लिए, तो आप जनाब लाइबल हो दो आमे टैक्स। बिल्कुल, ज्वाइंटली और सेवरली का मतलब यही है कि ज्वाइंटली उसके साथ मिलके या सेवरली पूरा आपसे भी रिकवर किया जाए वो, हाँ दूसरा भी हो जाएगा। ऐसे ही जो है ना फ्रॉड का जो केस होता है या फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस का जो सीन होता है ना, उसमें जो पूरी चेन होती है ना, उन सबको ब्लैकलिस्ट किया जाता है, पता है आपको? ब्लैकलिस्टेड में इतना ख़तरनाक वो है कि आप वो आपने माल ख़रीदा, आपको पता ही नहीं है कि यार ये बंदा तो वो हो गया ब्लैक, तो आपने जो इनपुट क्लेम किया था ना, किया था ना, वो भी आपसे रिकवर किया जाएगा। ये इतना सख्त है। अच्छा आगे 8A भी हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 9, 8 भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है, 8B 90% वाला एडजस्टमेंट। सेक्शन 9 डेबिट और क्रेडिट नोट, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट नोट आप जब इशू करते हैं, जब आपकी जो है ना सप्लाई कैंसिल हो, ऑर्डर कैंसिल हो, चेंज ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई चेंज हो, ठीक है, कोई किसी वजह से आपकी जो है ना गुड्स रिटर्न हो गई आपके पास, तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू होता है, एक ही होता है भाई, जो परचेजर है वो इशू करता है, ठीक है, एक के लिए डेबिट नोट होगा, दूसरे के लिए क्रेडिट नोट होगा, ठीक। परचेजर के लिए क्या होगा, ठीक है भाई, डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू होगा, एक के लिए डेबिट नोट होगा, दूसरे के लिए क्रेडिट नोट होगा, वो ऐसे ही एडजस्टमेंट पास करेंगे अपनी सेल में, एक बंदा अपनी परचेज में एडजस्टिंग एंट्री मारेगा, दूसरी सेल में मारेगा, ठीक है, जनरल एक जो है ना ये सेक्शन है 9 का। देखिए ना, एक बंदा करेगा, ठीक है, अगर सेल है, सेल रिटर्न हो गई है, तो वो जो है ना क्रेडिट नोट इशू कर देगा, तो वो जो क्रेडिट नोट उसके लिए, जो क्रेडिट नोट है उसके लिए डेबिट नोट हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल होगी ना, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट इसी का तो दिया है, आपको पता भी होगा कि यार ये सप्लाईज वापिस आ गई है ना। अच्छा सेक्शन 10 भी पढ़ लिया हमने, 45 डेज एडजस्टिंग एंट्री काइबोर, ठीक है, मैं बार बार आपको इसलिए दोहरा रहा हूँ, जहन में रहे आपके,
रिफंड का सेक्शन है, सेक्शन 10, ठीक है, सेक्शन 66 भी पढ़ लिया हमने, 73 भी पढ़ लिया। अब मैं आपको जो है ना सेक्शन 11 पढ़ा रहा हूँ। सेक्शन 11 है असेसमेंट का, 11 में हम असेसमेंट करते हैं। सेक्शन 11 जो है असेसमेंट का है, सब सेक्शन 1 में कहता है कि कोई बंदा रिटर्न फाइल नहीं करता या हु इज लायबल टू, इस तरह लिखा हुआ है, लायबल टू वी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल अ टैक्स रिटर्न फेल्स टू फाइल अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड बाई द ड्यू डेट और पेस एन अमाउंट विच फॉर सम मिसकैलकुलेशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्चुअली पेबल। ठीक है, जो है आप वो ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं करता या रिटर्न ही फाइल नहीं करता या अमाउंट पे नहीं करता या अमाउंट पे करता है वो जो एक्चुअल अमाउंट से कम है, ठीक है, तो उसको सेक्शन 1 में नोटिस किया जाएगा, सब सेक्शन 1 में 11 के। फाइलिंग का ठीक है, शोकास 1 में होगा, शोकास ठीक। ऐसे ही इसका ऑर्डर जो पास होगा वो सेक्शन, सब सेक्शन 8 सेक्शन 5 में होगा। अलेवन का, हाँ ठीक है, पेमेंट शॉर्ट पेमेंट हो, इन एडमिसिबल या रॉन्ग इनपुट एडजस्टमेंट इसे क्लेम की हो या रॉन्ग रिफंड इसने लिया हो, तो उसके आगे इसमें शोकास जो है ना 2 में होगा, सब्सिक्वेंट 2 में। ठीक है, पेनल्टी तो साथ लग जाती है। डिफॉल्ट सरचार्ज पेमेंट के लिए हमेशा ये होता है कि जब वो पेमेंट करेगा उस डेट से आप जो है ना कैलकुलेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट सरचार्ज हम जो है इनकम टैक्स में भी ऐसे लगता है कि जैसे ही उसने पेमेंट कर दी, भाई ऑर्डर पास हुआ 3 लाख रुपए का, क्या 3 लाख पे करने हैं ना। अब 3 लाख के लिए उसने 2 साल का टाइम लिया,
दो साल तक पेमेंट नहीं, दो साल में जैसे ही जो ना हमारे पास पेमेंट हो जाती है, ठीक है, 2 लाख की, तो अब उस डेट से फिर जो ना बैक डेट से लेके उस 2 लाख की पेमेंट की डेट तक डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा। तो ऑर्डर जो है ना डिफॉल्ट सरचार्ज आप एक टाइम नहीं लगा सकते जब तक जो है ना आपकी पेमेंट जो है ना टोटल जो है ना सेट ऑफ नहीं होती है डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट के सेक्शन पढ़ेंगे ना उसमें कहा है कि भाई डिफॉल्ट में लिखा ये है कि पेमेंट पे है कि पेमेंट अगर आप टाइम पे नहीं देते तो आपके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज लगेगा। पेनल्टी डायरेक्टली है ना कि भाई आपने ये काम किया है आपके ऊपर ये इतना लगेगा। डिफॉल्ट का तो देखे ना वो डेज हैं 12% पर एनम, ठीक है, पर एनम का जब वर्ड आता है तो आप जो ना जितने दिन वो आउटस्टैंडिंग रहा आपके ऊपर लाइबिलिटी उस हिसाब से आप जो ना कैलकुलेट करना है। हाँ, मल्टीप्लाई बाई डेज डिवाइडेड बाई 365 ताकि पर डे के हिसाब से आपके ऊपर जो है ना डिफॉल्ट आ जाएगा। 10,000 रुपये, ठीक है, ये आ गई। फिर सब सेक्शन में कह रहा है कि भाई आप सब कोल्यूजन या डेलीबरेट एक्शन के तहत अगर कोई जो है ना टैक्स की हैज़ बिन लेविड आर मेड आर हैज़ बिन शॉर्ट लेविड आर हैज़ बिन इरोनियसली रिफंडेड द पर्सन लाइबल टू पे एनी अमाउंट ऑफ टैक्स आर चार्ज आर द अमाउंट ऑफ फंड इरोनियसली मेड शैल बी सर्व्ड विद अ नोटिस। ठीक, इसमें यह होगा कि मिली भगत से कोल्यूजन या डेलीबरेटली ठीक है आप जो है ना शॉर्ट पेमेंट करते हैं या कोई पेमेंट नहीं करते हैं या आपने डिपार्टमेंट वाले से मिलके जो है ना कोई इकदाम कर लिया। कोल्यूजन मतलब यही होता है कि मिली भगत, ठीक है, 2-3 बंदे मिलके, तो उसका शोकाज जो है ना सबसेक्शन 3 में होगा। आप मैं जो बता रहा हूँ ना कि यार फाइलिंग अगर कोई बंदा फाइलिंग नहीं करता उसको फाइल करनी है, आप सिर्फ ये याद रखें तो भाई उसको शोकाज होगा सबसेक्शन ऑर्डर होगा। अगर किसी बंदे ने पेमेंट किए या शॉर्ट पेमेंट किया रिफंड या एडजस्टमेंट ये सारे केसेस वो इस तरह पूछ सकता है। असेसमेंट के सेक्शन से इतना नहीं पूछता, नहीं पूछेगा, मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा। अगर पूछ लिया आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि यार ये इस तरह होता है असेसमेंट। आप जब फील्ड में आएंगे ना तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी एग्ज़ाम के लिहाज से। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं करें, आप सिर्फ एक मरतबा ये जो आपको लेक्चर दर उसको जहन में रखिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी है। जो चीज़ मैं कहता हूँ यार ये आपने याद करनी है ना तो उसको याद करें, जो मैं कह रहा हूँ उसको पढ़ें जहन में रखें तो वो फिर आप जो है ना एक मरतबा दो मरतबा जहन में रखें यार इस तरह कि उससे अगर कोई क्वेश्चन बन भी गया तो वो आप प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे जो है ना इन्होंने वो दिए हुए हैं नेचर ऑफ वायलेशंस, ठीक है, नेचर ऑफ वायलेशंस दी हुई है और उनके जो है ना शोकाज दिए हुए हैं मुख्तलिफ सेक्शन में और ऑर्डर का सेक्शन दिया हुआ 5 के सब सेक्शन 5 में आप ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अब असेसमेंट का सेक्शन 11 है, इसके अगेंस्ट में असेसमेंट अभी ऑर्डर पास हो गया सब सेक्शन 5 में, सब सेक्शन 5 में ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर को आप लेके कहाँ जाएंगे, मैं आपको अपील का सेक्शन पढ़ाना चाह रहा हूँ, अपील भी साथ हो ताकि आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाए। असेसमेंट हो गई, ठीक, एक तो आप असेसमेंट आप जो है ना रिटर्न भरते हैं अपने खुद की सेल टैक्स मंथली रिटर्न 18 तारीख की अगले मंथ की 18 तारीख तक आप जो है ना रिटर्न भरते हैं। अच्छा, ये जो है ना ये असेसमेंट जो होती है ये ज़्यादातर ऑडिट की उसमें आती है ज़ुमरे में, ऑडिट होता है सेक्शन 25 में वंस इन अ ईयर, ठीक है, वंस इन अ ईयर वो कमिश्नर उसको सिलेक्ट करता है और सेक्शन 25 के तहत फिर जो है ना आपकी चीज़ें निकाली जाती हैं। वो असेसमेंट के जो सेक्शंस होते हैं जो भी फाइंडिंग्स होती है अपने ऑडिट में तो वो सेक्शन 11 के तहत आपको कम्युनिकेट की जाती है शोकास के ज़रिए से कि देखें आपने इनपुट जो क्लेम किया है
जो सेक्शन आपका पड़ेगा, फॉर एग्जांपल उसने कहा है कि यार ये जो है ना कुछ इनवाइसें मैच नहीं हो रही, मैच नहीं हो रही जो आपकी सप्लायर ने दिखाई नहीं है, आपने जो क्लेम की हुई है, ठीक है, जब दिखाई नहीं है तो उससे जो है ना कहा जाएगा कि इसको हम शोकास करेंगे, ये पॉइंट बताएंगे कि भाई इसको हम इसको डिसअलाउ क्यों ना करें, आप हमें बताएं, ठीक है। तो वो बोलेगा कि वो क्या प्रूफ करेगा, वो क्या प्रूफ करेगा, वो कहेगा यार उसने नहीं दिखाई, मेरा क्या कसूर है, उसने नहीं दिखाई है ना, बोलेगा अब दिखाओ हमें इनवाइस, दिखाओ इनवाइस, लेकर आएगा, हम बोलेंगे भाई चेक की कॉपी ले आओ, ठीक है, हम दिखाएंगे। तीसरा हम उसके बोलेंगे कि भाई आप जो है ना अगर पेमेंट हुई है बैंक के ज़रिए से हमें बताओ, बताएं मुझे बैंक में कहाँ से ये हिट हो रही है, ये उस अकाउंट में गई है, ठीक है, तो वो हम उसको दिखा देंगे, वो अगर प्रूफ कर दे, ठीक है, नहीं तो ये ऑर्डर पास होगा, उसका जो रिफंड था सब सेक्शन 3 में हमने कहा कि इनपुट रॉन्ग आपने एडजस्ट किया है या अलाउबल नहीं है आपको, ये ऑडिट सेक्शन 25 में होता है ये सारा काम, ओके। अब असेसमेंट आप इसमें करते हैं, जो भी आपने क्वेरी थी आपकी या आपकी कोई भी जो है डिस्क्रिपेंसी थी, आपने शोकास के ज़रिए से सेक्शन 11 में उसको कम्युनिकेट किया, वो जवाब दे देता है, ठीक है, नहीं देता आप ऑर्डर पास करना है, आपने सेक्शन डिसअलाउ करना है, लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। अब ऑर्डर पास हुआ, ऑर्डर के बाद जो है ना वो आप जाएगा अपील में, कमिश्नर अपील, ठीक, कमिश्नर अपील, अपील के पास जाएगा, अपील में क्या करेगा, कमिश्नर अपील्स, ठीक है, कमिश्नर अपील्स के पास जाएगा, वहां पे जो है ना अपनी अपनी जो है अपील फाइल करेगा, फाइल अपील, नहीं नहीं इसको पेटिशन नहीं कहते हैं, पेटिशन जो है ना उसमें जाती है, फाइल अपील बिफोर कमिश्नर अपील्स, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, सर्विस ऑफ ऑर्डर भाई पासिंग का नहीं है, जिस दिन पास हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन उसको मिला उस दिन से, ठीक है, इस पे बड़े गेम होते हैं, कह रहा है मुझे तो मिला ही नहीं है, ठीक है, तो कमिश्नर अपील उसके बेसिस पे कहता है चलो ठीक है मैं उस रिमांड बैक कर रहा हूँ, आप जो है ट्रू कॉपी लें, दोबारा जो है प्रोसीडिंग चलाएं, ये भी होता है 30 डेज का, 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, ठीक है। अच्छा कमिश्नर अपील जो है ना इसको कितने दिन में डिसाइड करेगा, 120 डेज का है, देखो चेक करो यार, ठीक है, और मैक्सिमम 60 डेज मजीद भी ले सकते हैं या 90 डेज है, 45 बी है, आगे प्लस 90 डेज मजीद, हाँ ठीक है यार, ये इन चीज़ों को आप याद रखिएगा,
ये 60 days यार 60 days है ना. हाँ क्या किधर नहीं नहीं ये अच्छा ये आप उसमें चले जाए ना ये आप वो पढ़ रही है. अच्छा यार ये उसमें असेसमेंट वाले सेक्शन में एक चीज़ इम्पोर्टेंट भूल गया. ऑर्डर आपने जो है ना 120 days ऑफ उसके साथ लिख लिएगा असेसमेंट वाले 120 days ऑफ द शोकास नोटिस आपने जो है ना ऑर्डर करना है 120 दिनों में. अच्छा अब वो 45 में जाए सेक्शन 45B में 45B में सही है. अच्छा ऑर्डर ये असेसमेंट वाले के साथ लिख लेना अपने पास असेसमेंट जो ने अभी पढ़ा है उसके साथ जो है ना ऑर्डर आपने कितने दिनों में पास करना है शोकास के 120 दिनों के अंदर. जैसे ही शोकास किया उसके अगले 120 दिनों में आपने ऑर्डर पास करना है वरना आपका ऑर्डर माना नहीं जाएगा. हाँ थर्टी डेज ऑफ सर्विस ऑन ऑर्डर जिसे आपको ऑर्डर मिला जिस दिन ऑर्डर मिला आपको वहां से सर्विस हुआ TCS के जरिए से उन्होंने भेजा आपके घर में पहुंचा जिस दिन आपको पहुंचा उस दिन से 30 days अपील में जा सकते हैं. नहीं जा सकते लेकिन कमिश्नर अपील को पावर है कि भाई वो आपको अलाउ करें एक्सटेंड कर लें किसी भी रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर. बिल्कुल 120 डेज में कमिश्नर ने ऑर्डर पास करना है ठीक है रिप्लाई नहीं ऑर्डर पास करना है कमिश्नर अपील ने देखें 2-3-4 जितनी भी हेयरिंग थी वो चला ली चला के कमिश्नर अपील ने 120 दिनों का टाइम है उनके पास कि भाई वो उसको पास करें. सर ऑर्डर में क्या मतलब हाँ उसमें तीन चीज़ें हैं. अब कमिश्नर अपील जो है ना डिसाइड करेगा मैटर 120 दिनों में जो कि 60 दिन मजीद भी ले सकता है. अच्छा अब इसका आउटकम क्या हो सकता है आउटकम ऑफ द ऑर्डर क्या हो सकता है ठीक है. देखें इसमें तीन चीज़ें आ सकती हैं. कंफर्म करेगा कंफर्म करेगा FBR के ऑफिसर ने जो ऑर्डर किया है. दूसरा क्या करेगा एनल करेगा नहीं एनल मतलब डिलीट करना ख़त्म करना कि भाई आपने ये गलत लगा है ठीक है. तीसरा जो ना वेरी करना अल्टर करना वेरिंग करना अल्टर करना ठीक है. इसका मतलब ये है कि भाई देखें आपने उस ऑर्डर को चेंज कर दिया अपील को पावर है वो उस ऑर्डर को चेंज करें जैसे वो कहें कि यार ये वाला पॉइंट सही ये गलत है लेकिन जो है ना इस पॉइंट में जो है ना ये मसला है आपने जो रेट लगाया ना उसके डेज के हिसाब से ये गलत लगाई है तो वो उसको अल्टर करके जो ना उसको कंफर्म कर सकता है. तीन आउटकम हो सकते हैं कमिश्नर अपील के ऑर्डर के ठीक है. अच्छा ठीक है ये जो है ना इसके आउटकम हो गए भाई. या तो कंफर्म करेगा किस ऑर्डर को इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर जो भी है उसके ऑर्डर को कंफर्म करेगा ठीक है भाई ये इन्होंने सही लगाया आपके ऊपर इतना बनता है. दूसरा क्या करेगा एनल करेगा डिलीट करेगा बोलेगा नहीं यार ये चीज़ गलत लगाई है उन्होंने इसको मैं डिलीट करता हूँ सही है. तीसरी करेगा वेरी करेगा अल्टर करेगा वो 2-3 पॉइंट मानेगा 2-1 पॉइंट खत्म करेगा ठीक है. वो उसमें कुछ पॉइंट मानता है कुछ जो है ना नहीं मानता कमिश्नर अपील या उसको मेरे कुछ पॉइंट के अंदर ही कोई ना कोई गलती होती है वो तो वो उसको वेरी कर सकता है
अल्टर कर सकता है। रिमांड बैक फॉर डिनोवो प्रोसीडिंग्स, वो कह रहा है कि यार इसको आप दोबारा चलाएं वापस, नहीं वो जो है ना दोबारा डिपार्टमेंट को रेफ़र करें वापस कि देखें आप इसको दोबारा करें, मुझे ये जो है ना केस जो है ना इसमें जो है अपॉर्चुनिटी नहीं दी है बंदे को, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है बंदे को, शोकास जो है ना प्रॉपरली आपने एड्रेस नहीं किया, मिला नहीं है, आपने ऑर्डर कर दिया, तो डिनोवो रिमांड बैक फॉर डिनोवो प्रोसीडिंग्स कर सकता है कि भाई आप दोबारा इसको चलाएं। फिर जो है ना FBR के पास दोबारा जाएगा, ऑफिसर दोबारा उसको शोकास करेगा, वो दोबारा अपना जवाब जमा कराएगा, ठीक है, उसकी बात मानता है, ठीक है, नहीं मानता फिर वो ना दोबारा ये अपील में आएंगे, ठीक है, ये रिमांड बैक के केस में। अब जो है ना दूसरा फोरम हमारे पास कौन सा है, अच्छा यहाँ पे कन्फर्म होता है, अनल्ड होता है, कन्फर्म होता है ना ऑर्डर, तो टैक्स पेयर जो एग्रीव पार्टी है, टैक्स पेयर है ना इस केस में, तो टैक्स पेयर जाएगी कहाँ पे, ट्रिब्यूनल में। अगर एनल्ड या डिलीट होता है तो डिपार्टमेंट जाएगा ट्रिब्यूनल में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल कमिश्नर, ठीक है, ये 60 डेज का होगा टाइम, ये आ गया समझ में। अच्छा दूसरा जो फॉरम है वो है हमारे पास एपलेट ट्रिब्यूनल का, ठीक है, तो एपलेट ट्रिब्यूनल में जाने के लिए आपके पास टाइम कितना होता है, 60 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ कमिश्नर, अपील्स, ओके 60 डेज का टाइम होता है इनके पास, आपके पास टाइम है 6 इस फैसले के आने के बाद, कमिश्नर अपील की फैसले के आने के बाद डिपार्टमेंट के पास भी और टैक्स पेयर के पास भी 60 डेज का टाइम पीरियड है, वो अपील फाइल करें किसके पास, ट्रिब्यूनल के पास, ठीक है। अच्छा एपलेट ट्रिब्यूनल के जो रिक्वायरमेंट है वो इनकम टैक्स वाला जो भी सिस्टम है, सेक्शन 130 ये वाले लगते हैं, ठीक है, तो वही लगेगा 60 डेज। कमिश्नर अपील के पास कितना टाइम होता है डिसाइड करने के लिए, ट्रिब्यूनल के पास 180 डेज है, 6 मंथ से मेरा ख्याल में, चेक कीजिएगा, 180 डेज है। जी हाँ नहीं नहीं जा हाँ ना फॉरम है ना, आप देखिए आप यहाँ पे आपका कोई केस होता है तो आप किस कोर्ट में जाते हैं, लोअर कोर्ट होता है, फिर उसके बाद बड़ा सेशन कोर्ट, फिर उसके बाद जो है ना हाई कोर्ट, फिर इस तरह चलता है। हाँ वो अपील कुछ जो है ना इस तरह होता है, जिस तरह फॉर एग्जांपल आप, मैं बताऊँ आपको, कमिश्नर अपील के केस में आप जब भी जाते हैं तो आपको 10% ऑफ द डिमांडेड टैक्स जो होता है आपके पास लगा है वो जमा कराना होगा, ठीक है, ऑर्डर पास हुआ है। देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, आप जो है ना जहन में रखिए, अपील के पास जाने के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट है 10% ऑफ डिमांड जो आपके पास खड़ी की है, उसके 10% जमा कराओगे तो आपकी अपील वैलिड होगी, ठीक है। अच्छा अब क्या हुआ कि अपील में जाने में उसको बचाने के लिए आपके पास पावर है अपील में, कमिश्नर अपील के पास, कि वो वेव करे, आपको स्टे दे दे, उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। कमिश्नर अपील आपको स्टे देगा 30 डेज 40 डेज 2 मंथ्स के, भाई स्टे हैं इसको, तो अच्छा अच्छा
हमने रिकवरी में पढ़ा था कि 137 में कि 30 डेज का टाइम होता है जो भी डिमांड आप खड़ी करते हैं तो आप नोटिस में लिखते हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर ये पेमेंट पे करें। पेमेंट जो हम पढ़ी थी 37(1) और 2 में, एक केस क्या था, एक केस ये था कि रिटर्न के टाइम जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, जो आप खुद अपनी असेसमेंट करते हैं, तो रिटर्न के टाइम जो आपने अपनी असेसमेंट किए तो आप वो पे करेंगे डिमांड जो आपकी जो आपने अपने खुद जो लाइबिलिटी खड़ी की है वो पे करेंगे। दूसरा है, हमने एक केस डिस्कस किया था कि कमिश्नर अगर आपके ऊपर जो है असेसमेंट करता है, ठीक है, तो उसके लिए 30 डेज़ का टाइम था कि 30 डेज़ में आपको ये फाइल करनी होती है, ठीक है। अब 30 डेज़ आपके पास फाइल करने के लिए भी, अपील के पास जाने के लिए भी है, और वो जो डिमांड कमिश्नर ने खड़ी की है उसका भी 30 डेज़ का टाइम है। तो आप 30 डेज़ उधर गए अपील में, 10% जमा करा लिया, भैया आपकी ऑटोमेटिक जो रिकवरी होनी थी 137, 138 इनमें वो अब रुक गई ऑटोमेटिक। दूसरा केस क्या था कि अपील में जाके हम अपने एप्लीकेशन फाइल की कि सर मुझे आप जो है ना स्टे दे दें ताकि मेरी रिकवरी ना हो 137 वाली, ठीक है। 137 में रिकवरी रोकने के लिए आपने क्या किया, स्टे ले लिया। कमिश्नर अपील आपको स्टे देता है, ठीक है, नहीं देता, आप जो है ना फिर उस केस में चले जाते हैं हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट से आप स्टे ले लें अनलिमिटेड टाइम के लिए, आप कोई पूछेगा ही नहीं, जा सकते हैं, ठीक है, स्टे के लिए। अच्छा, ये पहला आपके पास फोरम। दूसरा फोरम आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल, 60 डेज का टाइम होता है ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर आपको जाने के लिए। वो इस ऑर्डर को कितने दिनों में फाइनलाइज करेगा, 180 डेज का। इनकम टैक्स में यही लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, 180 डेज है, ठीक है, और वो विच में भी फर्दर एक्सटेंडेड कितना होगा, ट्रिब्यूनल वाला चेक करें इसमें इनकम टैक्स में। फॉर डिनोवो प्रोसीडिंग्स, अच्छा 160 डेज ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें 160 डेज में इसको ये फाइनलाइज करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल,
180 days इस पे जा आप अच्छा रेफरेंस टू द हाई कोर्ट क्या होगा नाइन्टी डेज ऑफ अच्छा इसमें रेफरेंस अच्छा क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर अराइज हो तब जा सकते हैं वैसे नहीं ठीक है जैसे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है ये आप देख लें क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है कि भाई मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ ठीक है कि यार लॉ तो ये कहता है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है आप एक लॉ की क्लॉज को कुछ और नज़रिए से देख रहे हैं मैं कुछ और नज़रिए से देखता हूँ ठीक है तो उस लॉ को कहते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ व्हेन द क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजेस द रेफरेंस कैन बी फाइल्ड बिफोर हाई कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं अच्छा हाई कोर्ट में जाने के लिए आपके पास 90 डेज ऑफ अच्छा रेफरेंस टू हाई कोर्ट ऑर्डर ऑफ विद इन 90 डेज एपलेट ट्रिब्यूनल ठीक है अच्छा इसके ऊपर हाई कोर्ट के ऊपर कोई वो नहीं है टाइम लिमिटेशन नहीं है कब डिसाइड करेगी हाई कोर्ट में जाने के लिए नहीं जाने के लिए 90 डेज है लेकिन हाई कोर्ट डिसाइड कब करेगी वो नहीं है हाँ डिसाइड कब करेगी उसके कोई टाइम नहीं है जिसके जो है ना कम से कम दो जजेस होने चाहिए अगर फाइल कर रहे हैं इसमें कम से कम हाई कोर्ट में दो जजेस होनी चाहिए वो जो ना आपकी टू जजेस की वो उसमें है एपलेट ट्रिब्यूनल में ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये भी कर लेते हैं यार अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होता है कमेटी होती है उसको कंस्टिट्यूट करती है ठीक है और उसमें जो है ना आप अपने केस को लेके जाएं तो आप जो है ना इन फोरम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है एडीसी
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तकरीबन चीज़ें वो ये और इनकम टैक्स की सेम है, ठीक है।